दोस्तों आज का जो वीडियो है ये मोटर्स के रिलेटेड है जो कि हम लोग इस ड्रोन में लगाने वाले हैं। मेरे पास जो मोटर है ये है रेडी टू स्काई का 2300 kV के मोटर है। ठीक है, ये बजट फ्रेंडली है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन इन मोटर्स का जो मेन प्रॉब्लम है कि ये एक दो क्रैश होने के बाद काम करना बंद कर जाते हैं। और मेरे ख्याल से आप चाहे तो थोड़ा सा अच्छा जो कि अभी जो लेटेस्ट मोटर चल रहा है टी मोटर्स वेलॉक्स V3 वर्जन को आप ले सकते हैं। वो भी 4S बैटरी सपोर्ट करता है और वो काफ़ी अच्छा है, अभी लेटेस्ट टी मोटर की तरफ से आया गया है। और ये जो है ये आपका रेडी टू स्काई का जो मोटर्स है 2300 kV के, तो इसको भी आप ले सकते हैं एज ए प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ये सब मोटर इतने अच्छे नहीं होते हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 4 रेडी टू स्काई के मोटर्स है और इन चारों को हम लोग अपने मार्क 5 फ्रेम में इंस्टॉल करने वाला है। मेरे पास ये जो फ्रेम है ये 5 इंच फ्रेम है और डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी सारे फ्रेम का परचेस लिंक दे के रखा है, आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं एज ए बिगिनर। और प्रोफेशनल के लिए भी ये लोग इसी फ्रेम को यूज़ करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फटाफट से अपने फ्रेम में मोटर को माउंट करते हैं। लेकिन फ्रेम को मोटर में माउंट करने से पहले हमें अपने फ्रेम में क्या करना पड़ेगा, ESC को लगाना पड़ेगा। तो चलिए ESC को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ESC लग चुका है, हम लोग इसमें मोटर माउंट करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये M1 के लिए होगा, ये M2 के लिए होगा, ये M3 के लिए होगा और ये जो है ये M4 के लिए होगा, तो इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग M1 को लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाने वाले M2 को, उसके बाद लगाएंगे M3 और उसके बाद लगाएंगे M4। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे मोटर लग चुका है और अब हम लोग इस वायर को ESC में सोल्डर करने वाले हैं। तो इसको मेजरमेंट कर लेना पड़ेगा और इस साइड में आपको ऐसा है कि ये जो ESC है इस सेक्शन में, यहाँ पे M1 के मोटर्स लगेंगे। ठीक है, M1 के मोटर लगेंगे बीच में सिग्नल वायर, और बाकी में आप किसी भी दो को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर में बाद में उसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर आपका मोटर गलत है तो ना। उसके बाद ये हो गया M2 के लिए, उसके बाद ये हो गया M3 के लिए और ये हो गया M4 के लिए। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्डर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के मोटर प्रोटेक्टर्स मिलते हैं जो कि मोटर के वायर को कटने से बचाते हैं प्रोपेलर से, तो इसको भी हम लोग इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटर इंस्टॉल कर दिया है, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M4। ठीक है, और ये जो है फ्रंट डायरेक्शन की तरफ है और जो आपका M1 है वो किस तरफ जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और M2 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, M3 जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और M4 जो है ये किस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो मैंने M1 को यहाँ पे सोल्डर किया है, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M4। ठीक है, और अब हम लोग इसमें SPDV का F405 को कनेक्ट कर लेंगे ESC और फ्लाइट कंट्रोलर को। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये फ्लाइट कंट्रोलर इसके ऊपर लग चुका है, ये हो गया फ्रंट डायरेक्शन। तो हमने मोटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 एंड ये हो गया M4। ठीक है, और इससे पहले मैंने रिसीवर को, मेरे पास यहाँ पे स्काई का FSIA-10B रिसीवर, इसको फ्लाइट कंट्रोलर में किस तरीके से कनेक्ट करना है, कैमरा को किस तरीके से कनेक्ट करना है, GPS को किस तरीके से कनेक्ट करना है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट प्रोग्रामिंग भी मैंने बना चुका है विद FlySky ट्रांसमीटर के साथ, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोटर जो है M1 ये आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और M2 जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और M3 जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और M4 जो है क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब M1 और M4 जो है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, M2 और M3 जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अभी हम लोग PC में जाएंगे और PC में देखेंगे कि हम लोग इसको सेटअप कैसे करते हैं। PC में आप बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में ये होगा कि अगर आपका मोटर सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, मान लीजिए M1 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, M2 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, M3 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, M4 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में आप जानेंगे। और एक बात बता दूँ कि आप कभी भी प्रोपेलर मत लगाइए, प्रोपेलर हमेशा लास्ट में लगाइए जब आपका ड्रोन आर्म होने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। ठीक है, तो प्रोपेलर का डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, प्रोपेलर को आपको किस तरीके से लगाना है। जैसे कि M1 जो है ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो आप एक प्रोपेलर लीजिए और ये जो क्लॉकवाइज इस तरफ है, क्लॉकवाइज प्रोपेलर आप लेंगे इस तरफ वाला, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और M2 जो है M2 में काउंटर क्लॉकवाइज होगा,
तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको यहाँ ये साइड में, इस साइड ये उस तरह ऊंचा है, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसको लगाने के बाद M1, M2 लगाने के बाद M2 जो है M2 का सेम प्रोपेलर आप लेंगे और उसको M3 में लगा देंगे, ठीक है। और M1 का जो प्रोपेलर है सेम वैसा एक प्रोपेलर लेंगे और उसको M4 में लगा देंगे, ठीक है। ये एकदम आपको लास्ट में लगा लें, क्योंकि अगर आप प्रोपेलर लगा के प्रोग्रामिंग करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर अपने आप भी रन करता है, ठीक है, और जिस वजह से आपका उंगली कट सकता है। तो ये एडवाइस है कि आप प्रोपेलर कभी भी इंस्टॉल ना करें, एकदम लास्ट में इंस्टॉल करें जब आप उसको कम्प्लीटली फ्लाई करने के लिए रेडी हो। तो जो मोटर डायरेक्शन होगा इसको दोनों प्रोपेलर जो है इनवर्ड्स की तरफ जाएगा, इस तरफ घूमेगा, ठीक है, तो ये इनवर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप चाहे तो सॉफ्टवेयर में इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको आउटवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको इनवर्ड्स में रख रहा हूँ। और अब हम लोग प्रोपेलर को निकाल देते हैं और अब हम लोग पीसी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बेटाफ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में हम लोग को कैसे मोटर को सेटअप करना है। तो अब हम लोग बेटाफ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर के वेलकम पेज में आ चुके हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर ड्रोन को कनेक्ट करूँगा और देखेंगे कि मोटर के क्या क्या सेटअप्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं यूएसबी वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पीसी में, ठीक है, और जो ड्रोन है उसमें बैटरी को आपको कनेक्ट करना होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो जब आप बैटरी कनेक्ट करें तो आपको प्रोपेलर उसमें कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे मोटर्स में, मोटर स्टेप में जाएंगे। मोटर स्टेप में जाने के बाद तो सबसे पहला होता है कि ये जो ESC ऑब्लिक मोटर फीचर में ESC प्रोटोकॉल होता है, ये हमेशा डिसेबल रहता है, तो इसको आपको क्या करना है, डिसॉर्ट 600 कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको सेव एंड रिबूट कर देना है। यहाँ पे सेव एंड रिबूट होगा तो ये सेव होगा, उसके बाद रिबूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे रीऑर्डर मोटर्स में, तो ऊपर में आप डायग्राम देखिए, ये जो है फ्रंट डायरेक्शन है, ये जो है वन है, एम वन है, ये आपका क्लॉकवाइज है, एम टू है एंटी क्लॉकवाइज है, एम थ्री है एंटी क्लॉकवाइज है और एम फोर है क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप चाहे तो मोटर डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स करने से क्या होगा कि एम वन जो है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एम टू जो है क्लॉकवाइज हो जाएगा, एम थ्री जो है क्लॉकवाइज हो जाएगा और M4 जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर आपको उसी तरीके से मोटर और प्रोपेलर सेट करना होगा, लेकिन मुझे इसमें रिवर्स नहीं करना है तो मैं नॉर्मल ही रखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रीऑर्डर मोटर्स में क्लिक करेंगे, उसके बाद आई अंडरस्टैंड द रिक्स को अनेबल करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से देखिए कि ये जो है ये वाला मोटर घूम रहा है, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है ये M2 वाला मोटर घूम रहा है तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद M3 वाला मोटर ये वाला घूम रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद M4 वाला ये वाला घूम रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि आप फ्लाइट कंट्रोलर को ये बता देंगे कि आपका मोटर सही है कि नहीं, 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोटर डायरेक्शन में जाएंगे, उसके बाद आई अंडरस्टैंड द रिक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग विजार्ड से भी कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली, मैं ज़्यादातर इंडिविजुअली ही करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आया है, ठीक है। तो 1 जो हम लोग का क्या है, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो हम जैसे 1 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे M1 जो घूमना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप इसको हल्का सा टच करके देखिए कि आपका जो M1 है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ठीक है, और अगर आपका मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप यहां से रिवर्स या नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। रिवर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपका वन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और आप जैसे ही रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो वन जो है क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप वन को चेक कर सकते हैं, टू को चेक कर सकते हैं, टू घूमना शुरू हो जाएगा, और थ्री को चेक कर सकते हैं, फोर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से आपका कोई भी मोटर डायरेक्शन गलत है तो आप रिवर्स या नॉर्मल पे क्लिक करके आप अपने मोटर डायरेक्शन को सही कर सकते हैं। मेरा जो है टू और थ्री जो है शुरुआत में क्या हो रहा था कि क्लॉकवाइज घूम रहा था, मतलब वन भी क्लॉकवाइज घूम रहा था, टू भी क्लॉकवाइज घूम रहा था, थ्री भी क्लॉकवाइज और फोर भी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो मैंने क्या किया, टू में क्लिक करके उसको रिवर्स किया और थ्री में क्लिक करके उसको रिवर्स किया, और अभी मेरा चारों के चारों मोटर सही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे।
और एक है कि आप एक एक करके अपने मोटर्स को चेक कर सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन आपको ये जो डायग्राम ऊपर में दिया है इसी को ही मन घूम रहा है, ठीक है। जितना आप इसको ऊपर करेंगे उतना स्पीड में मोटर घूमेगा, ठीक है। उसी तरीके से M2 भी घूमेगा, उसी तरीके से M3 भी घूमेगा और उसी तरीके से M4 भी घूमेगा, ठीक है। और एक मास्टर है, मास्टर में आप अगर इसको उठाएंगे तो क्या होगा कि चारों के चारों मोटर एक साथ घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मोटर में आपको इतना ही सेटअप करना था और अब हम लोग फ्लाइंग की तरफ चलेंगे। आपको मोटर्स में इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, और अब हम लोग इसमें प्रोपेलर सेट करके फ्लाई करने के लिए रेडी है।